So good evening everyone, welcome to today's maths class. In last class we started our revision for M3 trigonometry, जहाँ पे हमने कुछ चीजें रिवाइज कर ली थी, जैसे हर एक फंक्शन का डोमेन रेंज, हर एक फंक्शन के ग्राफ, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, आपका फंक्शन कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, कौन से क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन नेगेटिव है, हर एक चीज. Isn't it everyone? यहाँ तक कोई डाउट है? You can tell me yes. अगर कोई डाउट है तो you can tell me no. अगर कोई डाउट नहीं है तो. अब इसके बाद आपका पोर्शन है which is related to compound angles, right? Okay, ma'am told that general solution and graph in trigo is excluded. ठीक है. But ये graph and general solution आपको JE point of view में बहुत काम आएंगे. तो हम तो रिवीजन और सारी चीजें पूरा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइट? एंड फिर एंड में जो आपका पेपर होगा वो आपके स्कूल पैटर्न के हिसाब से हम ले लेंगे, राइट? नाउ कुछ चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. डोमेन कोडोमेन हो गया. ये एक्सरसाइज में आपको कुछ ज्यादा ही पूछा था, बट नो इश्यू. नाउ वी विल स्टार्ट रिविजन ऑफ M3.3 जो आपका बेस था स्पेशल केसेस ऑफ कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले, राइट? चलो वो देखते हैं. जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखी थी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी. हाँ यस नेहा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी. नाउ हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी? बोलो जल्दी जल्दी. मेक अ हैबिट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस नाउ. Right, raise your hand. Sin a plus b की फॉर्मूला, this is revision. Revision है तो ये revision आपके थ्रू होना चाहिए, isn't it? Amish, Anaga, Anurag, Ronak. Yes, Samar. Samar has typed in chat box. Sin a cos b plus cos a sin b. Sin में आपका function change होगा. Now sin a minus b. Yes, very good Vivek, Shrihari. Sin a minus b की आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? Sin a cos b minus cos a sin b. Next. हाँ यस आर्यन, विल डू दैट. एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. नाउ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट? कॉस में आपका फंक्शन सेम रहेगा, बीच में साइन चेंज हो जाएगी, राइट? एंड साइन के बाद आपके फंक्शन तो चेंज होने ही वाले हैं. नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, राइट? टेल मी कॉस ए माइनस बी का आंसर क्या होगा? यस साम्या, रिया, निधि, मानसी. यस वेरी गुड श्रेय. यस सेम बट प्लस साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, इधर साइन बी लिख दिया, शुड बी साइन ए. नेक्स्ट tan a plus or minus b, साथ में ही दिखा देता हूँ. एंड cot a plus or minus b वो भी साथ में देख लेते हैं, राइट? इवन ऊपर वाले भी सारे हम प्लस माइनस एक साथ लिख सकते हैं, बट ठीक है. चलो tan a plus or minus b, what is the formula? Quickly. tan a plus tan b upon plus के लिए मैं सिर्फ पहले लिख रहा हूँ, वन माइनस tan a tan b. करेक्ट? जब माइनस है तो इधर माइनस एंड यहाँ पे प्लस. क्लियर एवरीवन, राइट? चलो कॉट ए प्लस और माइनस बी, इसके लिए आपकी फॉर्मूला क्या होगी? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट? एंड फर्स्ट यू हैव टू टेक कॉट बी. हाँ यस नेहा, यू वांट टू टेल? टेल.
So cot A plus B is equal to cot A into cot B minus 1 divided by cot B plus cot A. श्योर ए प्लस बी यस राइट, सर। पक्का सोच लो, न्यूमिरेटर हाँ डिनोमिनेटर में कुछ ये भी ए आगे प्लस पीछे बी नहीं। का है। हाँ हाँ करेक्ट ही है सर। पक्का ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू एग्री विथ आंसर ऑफ स्नेहा कि यहाँ पे और कुछ प्लस माइनस आगे कुछ चेंज नहीं होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन वन न्यूमरेटर माइनस में माइनस प्लस होगा वो, कहाँ मतलब पे। प्लस के लिए न्यूमरेटर में अगर हाँ ए प्लस बी है तो कॉटे कॉट बी, कॉटे कॉट बी माइनस वन होगा, ओके एंड अगर माइनस है तो प्लस होगा उधर, ओके, माइनस एंड के लिए इधर प्लस डिनोमिनेटर होता में है भी एंड इधर वैसे माइनस इधर। होगा। सर मैंने प्लस के हाँ लिए बोला, वही मैंने हाँ बोला कि हाँ वो प्लस माइनस हो जाएगा फिर। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, जो आपने बोला वो प्लस के लिए ही है। यस समर्थ, यू वांट टू टेल समथिंग? नो। सो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट राइट, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए राइट। इसे आप रिवर्स भी याद रख सकते हैं, सो कॉट ए प्लस बी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर बाई स्टार्टिंग फ्रॉम बी, कॉट बी प्लस कॉट ए, हियर कॉट बी कॉट ए माइनस वन, एंड जब माइनस होगा तब यहाँ पे दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, एज वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर इन ऑफलाइन क्लास यू विल टीच यूजिंग वन नोट और ब्लैक बोर्ड? डेफिनेटली ब्लैक बोर्ड, वन नोट से मैं क्यों पढ़ूंगा, वन नोट से पढ़ाने के लिए मुझे बैठ जाना पड़ेगा एंड बैठना मुझे पसंद नहीं है, तो हलन चलन होगी, मजा होगा। एंड एक क्लास आपको फिक्स बता रहा हूँ मैं मैथ्स के लिए, आपको कौन सी क्लास में बैठना है वो सारे ऑफलाइन के रूल्स बताऊंगा, पहले आके तो वही ऑफलाइन के सारे रूल्स जो होंगे वो अलग हैं ऑनलाइन के रूल्स से, मजा आएगा। बहुत सारी चीजें सोच के रखी है मैंने ऑफलाइन के, आपके सारे रूल्स मुझे आपको पहले बताने हैं, फिर धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। ओके नहीं धीरे धीरे तो नहीं, स्पीडली शुरू होगा। एंड हर एक क्लास में नहीं बैठना है, मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूंगा, मैथ्स के लिए पर्टिकुलर वो वाले क्लास में आ जाना है, उसमें बड़ा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है, बोर्ड भी अच्छा है, लिखने का भी मजा आएगा पढ़ने का भी मजा आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, यू कैन टेल मी यस राइट, ये सारी फॉर्मूला टेन, बस बाकी और कोई तो याद रखने की जरूरत नहीं इसमें। फिर टू थीटा थ्री थीटा के ऊपर भी आएंगे, बट उसके ऊपर आने से पहले कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए आपकी फॉर्मूला थी, एज फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री राइट, 22.5 डिग्री, जो यहाँ पे आप ला सकते हो। यस जैसे हर एक के लिए, मान लो कि आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, दिस यू वॉन्ट फॉर 15 डिग्री राइट, सो 15 डिग्री के लिए आप आइधर अबो वाली कोई भी फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से, यू कैन टेक 45 माइनस 30 इजंट इट, यस, और 60 माइनस 45 राइट मीत, सो 45 माइनस 30, 60 माइनस 45, इस तरीके से आप 15 डिग्री के लिए ला सकते हैं। फिर 22.5 डिग्री के लिए लाने के लिए आपको थीटा बाई टू वाली फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो भी हम देखेंगे टू थीटा वाली फार्मूला के लिए। 18 डिग्री एंड 36 डिग्री के लिए पूरा टोटल कंसेप्ट हमने यूज किया था, दैट वाज 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 5 थीटा समथिंग राइट, बट वो डेरिवेशन में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू रिमेम्बर डायरेक्टली द टेबल। चल तो वाली वैल्यूज याद कर लेते हैं फटाफट, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, थीटा आपका हो जाएगा 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 36 डिग्री करेक्ट। हु विल टेल मी वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इफ एनी वन ऑफ यू हैव रिमेम्बर, और एनी वन ऑफ यू हैज रिमेम्बर्ड दिस, याद रखा है तो अच्छी बात रूट है। थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू यस सी, यूसेज कम है बट याद रखोगे तो फायदे बहुत हैं।
नाउ साइन 15 डिग्री, सो जैसा कि अभी हमें आर्यन ने बताया रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, करेक्ट। चल तो कॉस 15 क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट, यस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। यहां से फिर tan थीटा आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो sin बाय cos, राइट, एंड बाय टेकिंग एलसीएम बाय वो याद नहीं रखा, बस sin एक का याद रख के बाकी हो जाता है, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, एंड द मोमेंट यू विल रेशनलाइज दिस यू आर गोइंग टू गेट 2 माइनस रूट 3। Now 18 degree, sin 18 degree. Who will tell me this? Pradyumna? Root 5 minus 1 by 4. Yes, root 5 minus 1 by 4. Koshi, right? And Chulika, are you there? Anaga, Anisha, right? Riya, Mansi. See. So sin 18 degree will be root 5 minus 1 by 4. तो क्या यहाँ पे cos 18 root 5 plus 1 by 4 हो जाएगा? नहीं सर, 36 होगा। हाँ, तो वो एक आपको कनेक्शन याद रखना है। sin 18 से डायरेक्टली आपका कनेक्ट करेगा cos 36, which will be root 5 plus 1 by 4. Next. And similarly, sin 36 and cos 18, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। Okay. So sin 36 will be here root 10 minus 2 root 5 divided by 4. तो अब यहाँ पे वो आ जाएगा plus, right? You can observe कि sin वाले सब में minus है, cos वाले सब में plus है। Are you getting my point, everyone? Root 10 plus 2 root 5 by 4. Okay? Ab yahan se 10 to aapka aasan hai. Root 5 minus 1 divide by under root 10 plus 2 root 5. Isko rationalize karne ke koi zarurat nahi hai. Idhar root 10 minus 2 root 5 upon root 5 plus 1. Kyunki denominator ka 4 4 to cancel ho jayega. सर वो उल्टा लिखे हो ना सर, रूट फाइव प्लस वन बाई आएगा शायद, टेन साइन बाई कॉस होता है, टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। हाँ हाँ सही है सही है, वो मॉड्यूल में रॉन्ग दिया है, राइट, मॉड्यूल में उल्टा दिया गया। हाँ मॉड्यूल में गलत है वो, वही देखा। सो जस्ट करेक्ट इन मॉड्यूल इफ यू आर हैविंग करेक्ट इन, तो मॉड्यूल में वो कॉस 3 थीटा उस सब का भी गलत गलत दिया है। Now, अब जैसा 15 डिग्री के लिए था वैसा ही 22 एंड हाफ के लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। 22 एंड हाफ के लिए आपका साइन थीटा हो जाएगा और साइन 22 एंड हाफ विल बी रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2। यस वेरी गुड श्रीहरि, रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2, एंड इधर वो सेम आपका इधर हो जाएगा प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 2। सेम यू कैन टेक हियर root 2 minus root 2 divided by root 2 plus root 2. When you are going to take LCM, you will get root 2 minus 1. Correct, everyone, right? आप अगर थोड़ा time दोगे तो ये table याद रखना भी आपके लिए आसान होगा. It is not a big deal, right? Sin 15 and 22.5 आपका easily हो जाएगा. राइट अनुराग अमेश प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स। तो यहाँ से आपको रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस 1, ये इधर और ये इधर। सो जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस फर्स्ट लाइन, बाकी सब जुगाड़ है, राइट, माइनस का प्लस कहाँ पे करना है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज द थिंग, राइट। मीत, अक्षय, अनुराग, अमेश, जयशरण, निधि, मानसी, ये सारी चीजें फॉर्मूला बुक में अभी साथ में लिखते ही जाओ, जो जो चीज आपकी बाकी हो।
यस अभिराम इज आस्किंग सर साइन 18 का डेरिवेशन क्या है. अभिराम मुझे भी एग्जैक्टली इतना याद नहीं है बट ऐसा कुछ कुछ तो हमने किया था. वो टाइम पे भी आप ही ने पूछा था डेरिवेशन 2θ + 3θ = 5θ इसके पीछे है कुछ लॉजिक. इसका यूज हमने किया था. वो एग्जैक्ट याद नहीं है कि सर वो साइन आपने बोला था वो साइन 2θ + 3θ करके हाँ. वो 5θ तो 18 5 90 होता है वैसे करके बहुत लंबा डेरिवेशन होगा अगर जिसको करना है वो कर लेगा. हाँ एंड उसका कुछ तो देखा था हमने ग्लिम्सेस 18 × 3 थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का आप थोड़ा करके दिए थे. हाँ यस डेफिनेटली. ओके जाए नेक्स्ट. यस 15 and 22.5 इज वेरी मच इजी. वो आप एग्जाम में डायरेक्टली ला सकते हो और यू कैन रिमेम्बर टेबल ऑफ ओनली 18 and 36. 15 and 22.5 इज वेरी इजी. 18 से 36 भी आ जाएगा. एग्री. यू कैन रिमेम्बर ओनली 18. बट फिर वो जो लाना है क्या याद रखना है और कहाँ से क्या लाना है उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. ओके के लिए यही वाला लॉजिक है अभिराम बट उसका एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे भी. आई ऑल्सो नीड टू सी. एनसीईआरटी में है कुछ तो ट्राइंगल वाला लॉजिक था. जस्ट वंस गो थ्रू इट याद आ जाए तो बेटर है. एंड उसका रिकॉर्डिंग जूम वाले सर्वर पे है कि मतलब वो टाइम पे जूम वाले सर्वर में था कि यूट्यूब पे है वो देखना पड़ेगा शायद उसमें भी हो. नेक्स्ट. Now, इसके बाद जो आपका टॉपिक था दैट इज एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स. उसके लिए सारे स्टेप्स याद हैं आपको एवरीवन. सी उसमें हम एग्जैक्टली यूज करते थे आपका यूनिट सर्कल. ऑलएसटीसी अप्रोच. ये एग्जैक्टली आपका क्या कंसेप्ट था राइट. साइन 270 - थीटा राइट. कॉस 3π/2 + थीटा ऐसे टाइप के जो भी आपके पास एंगल आते थे तो उनको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं राइट. विवेक डू यू रिमेम्बर दिस. मानसी रिया कृष्णा नहीं है ना आज. Krishna, are you there? Yes, Krishna is there, right? अच्छा तो इसको हम किस तरीके से करते थे. Remember this. First step, identify quadrant. हम ये identify करते थे कि आप कौन से quadrant में जा रहे हो right? 270 minus theta, 3π/2 + theta, इन सब में एक condition ये होती थी कि जो आपका ये theta है this theta should be acute angle right jo aapka 0 se pi by 2 ke beech mein ho. Now 270 minus theta this is 0 90 180 270 360 270 plus means anti clockwise right. Minus means clockwise. So 270 minus theta third quadrant. क्वाड्रेंट से आप क्या आइडेंटिफाई करते थे. साइन राइट. चलो यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव. नेगेटिव. कॉस 3π/2 + 4th क्वाड्रेंट वहां पे कॉस नेगेटिव या पॉजिटिव. पॉजिटिव. थर्ड आप ये देखते थे कि आपका एंगल सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है. यस और नो एवरीवन. सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री दैट मीन्स वो एंगल आपका एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है. अगर x एक्सिस का है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहेगा. अगर y एक्सिस का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा. किस तरीके से चेंज होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम वो साइन भी कर चुके हैं एकदम स्टार्टिंग में राइट. ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि जहाँ पे साइन का कॉस, कॉसेक का सेक एंड टेन का कॉट में कन्वर्जन होगा.
इज दिस क्लियर एवरीवन? रिवीजन ही है ये, एग्जैक्टली रिवीजन में सारी चीजें आपको बोलनी चाहिए. नाउ सो हियर कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन, साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, एंड इन द एंड जस्ट यू हैव टू पुट थीटा. लास्ट में जस्ट आपको रखना है थीटा. दिस फोर स्टेप्स गेम, इजंट इट एवरीवन? डू यू रिमेंबर दिस? यू कैन टेल मी यस. जल्दी 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 चल. अब आ जाते हैं आपके टू थीटा एंड थ्री थीटा के ऊपर. नाउ हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा क्विकली? रेज योर हैंड. फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा. टू साइन थीटा कॉस. यस यस, रेज योर हैंड सो दैट आई कैन गिव चांस टू एवरीवन. हाँ मीत बोलो. सर अब आर्यन बोल दिया तो क्या ही बोलूं? एक ही फॉर्मूला नहीं है ना? अच्छा हाँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा. हाँ अच्छा, एक टू साइन थीटा कॉस थीटा. इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप सोच सकते हो साइन टू थीटा की टैन के फॉर्म में. हाँ ठीक है, वो वाली याद नहीं सर. ठीक है ठीक है ओके. चलो टेन के लिए सस्पेंस. सर टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. यस समर्थ, राइट? टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. पक्का प्लस माइनस नहीं? माइनस कब आएगा? अच्छा अमिश ने बोला, सॉरी ओके वेरी गुड अमिश. सो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. नाउ तो माइनस कब आएगा अमिश? अगर यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं सो व्हेन वी कैन टेक माइनस? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा. सर टेन टू ए में टेन टू दिस विल बी फॉर टेन टू थीटा. नाउ इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं वन बाई वन. नाउ सो साइन टू थीटा की ये दो फॉर्मूला है. नाउ लेट अस कम टू कॉस टू थीटा. कॉस टू थीटा की कितनी फॉर्मूला है? कॉस टू थीटा, हु विल टेल मी दिस? रेज योर हैंड. सी वही मैं बता रहा था, ऑफलाइन क्लास में आके ये सारी चीजें शुरू करनी है. जैसे ऑफलाइन में आपको याद होगा कि हर क्वेश्चन के बाद आपको यस और नो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, एज वेल एज जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको आंसर देने हैं तो रेज योर हैंड और वो सारी चीजें. कोई नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें शुरू करेंगे. एंड स्ट्रेट बैठने की आदत तो आपकी निकल ही गई होगी पूरी, राइट? ये पूरा एक साल ऑनलाइन में, तो वो सारी आदत भी आपकी लाएंगे वापस. यस प्रद्युम्ना, कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा? सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके नेक्स्ट, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं. सर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. वेरी गुड. नेक्स्ट, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. वेरी गुड. और कोई बच गई? सर टेन वाला याद नहीं. ओके टेन वाला याद नहीं, नो प्रॉब्लम. हु विल टेल मी टेन वाला फॉर्मूला? यस नेहा. सर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ओके अभिराम, सो इट इज वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब आपको यहाँ पे मैंने एक चीज बोली थी कि ये टेन वाली जो तीनों फॉर्मूला है, साइन टू थीटा की टेन में, टेन टू थीटा की टेन में एंड कॉस टू थीटा की टेन में, इसमें सबके डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, सिर्फ एक ही केस में वो माइनस आएगा. एंड वो कब माइनस आएगा? जब टेन की टेन के टर्म्स में आप फॉर्मूला लिखोगे तब, अदरवाइज बाकी सब जगह पे प्लस, राइट? एंड अगर इसमें कन्फ्यूजन हो, जो कि हर बार होता है, यू कैन क्विकली डिराइव दिस. वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा और नॉट? टेल मी एवरी वन, राइट? वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर. टू टेन थीटा एज इट इज. टेन को आप क्या लिख सकते हो? साइन बाई कॉस. सेक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? वन बाई कॉस स्क्वायर. एक एक कॉस कैंसल, कॉस ऊपर चला जाएगा, टू साइन कॉस. पता चला एवरीवन? तो जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट आए टेन वाली फॉर्मूला में कि सर ये तो क्लियर है, या इसमें भी कंफ्यूजन होगी माइनस प्लस कहाँ पे होगा, सो एट दैट टाइम जस्ट क्विकली सिंप्लीफाई दिस. क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक बहुत ही आसान सी फॉर्मूला है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्विकली यू आर गोइंग टू गेट दिस. तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि साइन टू थीटा की फॉर्मूला है कि टेन टू थीटा की फॉर्मूला है. इज दिस क्लियर?
कैन वी प्रोसीड अहेड? प्रोसीड का मतलब ही होता है आगे जाना, प्रोसीड अहेड, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी एरर. ओके चुलिका जाए नेक्स्ट, राइट. अक्षय, मानसी, निधि, सान्या, रौनक, राइट. प्रांजल का ऑडियो भी ज्वाइन नहीं है. ओके नाउ लेट अस सी फॉर्मूला ऑफ थ्री थीटा. वन मोर थिंग, यहां से फ्रीक्वेंटली जो फॉर्मूले यूज होती हैं, वो ये दोनों फॉर्मूला. कॉस को आप कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू. ओके समझ. सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी, वो आपने लिखवाया था सर, हाँ, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू. इन द सेम वे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, जिसका हम फ्रिक्वेंटली और बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे. ओके खास करके जब इंटीग्रेशन चैप्टर आपका शुरू होगा एवरीवन, तो ये सारी फॉर्मूला आपको काम आएंगी 12th में. सो डोंट वरी, ये ट्रिग्नोमेट्री आपका जब तक जेई खत्म नहीं होगा, इवन जेई खत्म करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने वाला. इफ यू आर इंजीनियर, यू आर गोइंग टू डाई विथ ट्रिग्नोमेट्री ओनली, रिमेंबर दैट. एंड तक वो आपके साथ रहेगा. नाउ साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा. Who will tell me this formula? Sin 3 theta, quickly. Raise your hand. I want answer from each one of you. Akshya, can you tell me this? Samar, think again. Whatever you have typed in chat box. Akshya, will you like to speak for this? Chulika? Jai Sharan? Okay. So Vivek ne bhi reply de diya, Uvesh ne bhi de diya. Yes, Samya, Vivek, can you like to speak? जो आपने लिखा है वही बताना है. हाँ. Hello sir. हाँ विवेक बोलो, क्या है आंसर? Sir, 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Yes, very good. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Now, what will be formula of cos 3 theta? Yes, Abhiram, tell me formula of cos 3 theta. Sir, 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Very good. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Even इनके लिए भी आप 34 and 43 याद रख सकते हैं, but ये फिर आपका 34, 43 उसके साथ confusion ना करे, उससे अच्छा better आप directly याद रख लें, right? Now, tan 3 theta. Who will tell me this? Raise your hand, tan 3 theta. I want answer from each one of you. Anisha, Anisha Anaga, any one of you? Anisha Anaga. Krishna, Riya, Pranjal, Srihari. ओके कृष्णा, विल यू लाइक टू स्पीक? हाँ अक्षय बोलो. हेलो सर, इट विल बी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ओके 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. यहां से दो फार्मूला मुझे और याद आ रही है. सर 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा. हां 1 प्लस cos एंड 1 माइनस cos, तो ओके वो यहीं से हो जाएगा, व्हिच इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा बाय 2 में, वही ना? यस सर. tan pi बाय 4 माइनस है, tan pi बाय 4 प्लस है, ये लिखवाई थी मैंने आपको. हां सर. हां तो ये भी याद कर देते हैं, एंड यहां से जो अभी आ रहे हैं बोला वो भी हम करेंगे. So, इधर आपका एक 1 प्लस cos थीटा जो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, राइट? इफ इट इज 2 थीटा देन हियर वी आर गोइंग टू गेट थीटा, फॉर थीटा इट विल बी थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा इट विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2.
Now, who will tell for tan pi by 4 minus a? Same tan a minus b वाली formula है, but tan pi by 4 minus a आपका special case है, आपको directly answer मिल जाएगा, right? Okay. Yes, Neha, tell me. Tan pi by 4 minus a. Sanya, Samya, Ronak. Koshi, will you like to speak? Chuli? Sir, 1 minus 10 divided by 1 plus 10. Yes, very good, Koshi. 1 minus 10 upon 1 plus 10. Chalo, similarly, up 10 pi by 4 plus a kya ho jayega, right? I think Anaga is not there in the meeting, right? Anisha hai, but Anaga nahi hai. Okay. Yes, Aryan, tell me. Abhiram na bolo. Yes, 1 plus 10 upon 1 minus 10. Very easy. इसके साथ ही जो आपके seniors का हम revision कर रहे थे तो उनको एक दो formula और दिखाई थी, ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं. Okay. Now, इसके बाद आपका next transformation वाली formula हमने देखी थी कि हाँ वही, yes, अभिराम 1060 वाला formula. वेट, क्लास 12 वो लास्ट में देख लेंगे, काम करेंगे, राइट, कि उनको जो जो जितनी फॉर्मूला एक्स्ट्रा दिखाई है वो सारी चीजें हम देख लेंगे. ओके, अच्छा, आज इसलिए सब अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं क्योंकि ट्रिगो फॉर्मूला का रिवीजन कल आपके स्कूल क्लास में हुआ. ओके, तो वो करेंगे, स्कूल में आपके जो चैप्टर के रिविजन हो रहे हैं वही साथ में करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा. स्कूल में भी आपका रिविजन चल रहा है अभी? ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बोले तो, अच्छा, वन राउंड रिवीजन हो गया ऑलरेडी. वन राउंड मतलब सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया. ओके, ग्रेट. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में समेशन है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट में, या फिर बीच में प्रोडक्ट है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो समेशन में, right? ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला थी जिसके ऊपर हमने शॉर्टकट्स भी याद रखे थे. ओके, मंडे यू आर हैविंग टेस्ट ऑफ फर्स्ट थ्री चैप्टर्स. तो फर्स्ट थ्री चैप्टर मतलब ओके, फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेट, सेकंड चैप्टर रिलेशन, थर्ड चैप्टर ट्रिगो. तो ट्रिगो का तो रिविजन हो गया, सो नेक्स्ट चैप्टर यू वॉन्ट मी टू डू सेट एंड रिलेशन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन एम टू. मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ आपको जो भी रिविजन चाहिए. फर्स्ट नाउ रिलेशन इज कैंसल्ड, अच्छा वो देखना पड़ेगा क्योंकि ओके रिलेशन एंड फंक्शन. ओके वी विल सी, चलो अब जल्दी 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 इधर आ जाओ. ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कशन, हाँ हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे. चलो यहाँ पे आ जाते हैं क्विकली. हाँ बोलो, सबसे पहले वो चार गोल्डन मैजिकल वर्ड्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें हम प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे. कुछ कुछ याद रखा था हमने, एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी, याद है एवरीवन? यस सर, एस प्लस एस इज इक्वल टू 2sc. यस, सॉरी जस्ट अ मिनट, गेटिंग कॉल फ्रॉम डॉक्टर एंड आई कैन नॉट पिक दैट. Okay, s plus s is equal to 2sc, right? S minus s? 2cs. 2cs, very good. C plus c? 2cc. Very good. And most favorite, c minus c? Minus 2ss. Very good. Minus 2ss. आपके साथ नाइन्थ वालों के भी एग्जाम है स्कूल में, गुड. नहीं स्नेहा, दैट इज माइनस टू एस एस, राइट, एंड जब इसलिए तो ये खास फॉर्मूला है, राइट, या फिर जब आप इसे टू एस एस के फॉर्म में लिख रहे हो तो माइनस आपको उधर दे देना पड़ेगा, इट विल बी माइनस सी प्लस सी. चलो करते हैं,
ना दोनों ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से प्लस वाला भी, चलो प्लस से मल्टीप्लाई, साइन ए प्लस साइन बी, इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, बोलो 2sc, s plus s 2sc, मतलब 2 sin bracket cos bracket, multiply by 2 होगा, वो केस में आपको divide by 2 करना है, right? That was our trick to remember this. Then, एक bracket में plus, एक bracket में minus, a plus b, a minus b, yes or no? Right? And इसी को जब आप reverse लिख रहे हो, as for example, यहां से शुरू कर रहे हो, 2sc से s plus s कर रहे हो, तो 2 साइन ए साइन बी, अब ए बी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख रहा हूँ, टू साइन एक्स कॉस वाई, दिस विल बी इक्वल टू साइन प्लस साइन, राइट, एस प्लस एस, अब यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई बाई टू नहीं है तो नो नीड टू डू डिवाइड बाई टू, हियर इट विल बी एक्स प्लस वाई एंड हियर इट विल बी एक्स माइनस वाई, क्लियर? फर्स्ट, देन नेक्स्ट सेकंड पे, ना अब इस पे 2cs और s माइनस s, साइन ए माइनस साइन बी, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी आप अरेंज कर रहे हो बड़ा एंगल वाला आपको पहले लिख देना है, डू यू रिमेम्बर दैट, राइट, जो भी एंगल आपका बड़ा वो आपको वो वाली टर्म पहले लिख देनी है ताकि आपके लिए डिफरेंस जब होगा तब आसान हो जाएगा, राइट, डिफरेंस होगा, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं, एक दो स्टेप ज्यादा होंगे बस, डिफरेंस वाले केस में नेगेटिव आएगा फिर आपको इवन ऑड सोचना पड़ेगा, so sin a minus sin b that is 2 cs 2 cos sin multiply by 2 we need to divide it by 2 so ek bracket mein ho jayega plus ek bracket mein ho jayega minus right and again ek mein plus ek mein minus aisa nahi pehle mein plus dusre mein minus that is the condition reverse 2 cos x sin y s minus s sin x plus y, sin x minus y. Clear everyone? Shall we see now? C plus C, right? Now, अब आप लोगों में से कौन बोलेगा? Cos A plus cos B formula, right? फटाफट. सबसे आसान formula, सबसे favorite formula. Pradyumna, will you like to speak? Amish. Mansi, Nidhi, Samya, Vivek, Shrihari, Ronak, anyone? Pranjal, Ovesh, yes, Samad. Boli nahi rahe, bolna padega. 2 cos. 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Yes, agar wo c hai to c ke term mein aur c aur d hai to c d ke term mein. Haan, main waise hi yaad kiya tha. Haan. ए बी है तो ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू राइट ना रिवर्स टू कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई ना फोर्थ लास्ट वन दैट इज अप्लाई सी माइनस सी कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस टू एस एस and cos a minus cos b हो गया, reverse 2 ss apply करते हैं, 2 sin x sin y is equal to minus c plus c minus cos x plus y plus cos x minus y, clear? Totally 8 formula है हमारे पास, फटाफट इसे लिख दो, इसके बाद जो हमने देखा था वो हम रिवाइज करेंगे, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा जनरल सॉल्यूशन दैट इज द लास्ट पोर्शन. सर बोर्ड पे व्हाट यू आर राइटिंग इज नॉट विजिबल, ओके बोर्ड पे व्हाट यू आर राइटिंग मतलब अभी जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है सर विजिबल okay for samarth it is not visible
ओके समर्थ वेट फॉर सम टाइम, बाकी सबको दिख रहा है शायद नेटवर्क इश्यू। हाँ आई नो आपकी स्कूल एग्जाम 1 मार्च से शुरू हो रही है, हमारा मैथ्स का रिवीजन आपका 27 फेब से पहले खत्म हो जाएगा। ओके तो 27 फेब में अवंती में हम एग्जाम रखेंगे ना। जस्ट इतना आप लिख लो, आई एम टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक। वन स्टूडेंट इज आस्किंग अवंती पेपर विल बी टफ, नहीं मीडियम लेवल का होगा, पेपर ऑलरेडी आपका रेडी है, मैं पहले ही बना दिया था। चलो यस वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर दिस पेपर इज सेट बाय डिफॉल्ट ओनली राइट लाइक बाय अवंती ओनली। नहीं ये 11th वाला पेपर मैंने खुद बनाया था लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के लिए, तो वो वाला है, उसमें बस मैं आपका डिलीटेड पोर्शन और वो सारी चीजें वो करूंगा, क्योंकि अवंती के जो पेपर्स हैं अवंती सेंट्रल टीम तैयार करती है वो जूनियर क्लास के लिए हम सब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं तो वो रेडी होते हैं डिफॉल्ट, एंड 11th 12th के लिए हम खुद डिजाइन करते हैं क्योंकि वो 11th 12th के लिए बस एमटीज और वो सब डिजाइन करती हैं सेंट्रल टीम। ओके नाउ सी हियर now maxima and minima of a cos theta plus or minus b sin theta, do you remember this everyone? ye kis tarike se aaya tha maine ye bhi aapko samjhaya tha right, isko hum ek hi pura trigonometric function mein convert kar sakte hain by multiplying it with under root a square plus b square and dividing it with under root a square plus b square right, so under root a square plus b square ke sath multiply aur divide karne ke baad iski maximum value aapko milegi under root a square plus b square एंड मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप यू रिमेम्बर दिस राइट, सो दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये जो आपका एक्सप्रेशन है दिस विल लाई बिटवीन दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज योर क्लोज इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मॉर्निंग में 2.5 आवर हुए हैं दो क्लास को लेके, तो 1 hour and 15 minutes मिल रहे होंगे ईच क्लास को राइट, 1 hour 15 minutes फॉर ईच क्लास। सर अभी हम लाइक अल्टरनेट डे कर रहे हैं, एक दिन सुबह फिजिक्स पूरा दूसरे दिन पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री, 2.5 hour पूरा कंटिन्यूअस राइट। यस सर। ओके ठीक है, मतलब अभी तो फिर चलो तो अच्छा है,
तो मैथ्स तो अभी मतलब वीक में तीन दिन फिजिक्स हो रहा है, तीन दिन केमिस्ट्री हो रहा है, बट केमिस्ट्री में पोर्शन बाकी है तो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम मिल रहा होगा ना सर? दोनों पूरा एक एक दिन रहता है सर, पूरा दोनों। ओके ठीक है, तो जब हमारा तो वो केमिस्ट्री में सिर्फ लास्ट वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बाकी है। अच्छा ओके ठीक है, देखते हैं फिर जब मैथ्स आएगा तो वो कैसे डिवाइड करेंगे। छह क्लास है, तीन सब्जेक्ट, तो दो 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 क्लास हो जाएंगे फिर सर। शायद से दोपहर को एक तो लेना ही पड़ेगा। हाँ एक नहीं दो भी शायद, देखते हैं। ओके चल, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा ठीक है। इसके बाद क्या हमने पीरियोडिक फंक्शन देखा था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स देखे थे? हाँ सर, आपने टेबल बनवाया था क्योंकि हम एग्जैक्टली और डिटेल में देखेंगे क्लास 12th में, राइट? कि पीरियोडिक फंक्शन में जब उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो, उनका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो उनके पीरियड कैसे होते हैं। पर पहले चलो, जितना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखा था, चलो दिस ऑल आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, करेक्ट? दिस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर योर पीरियोडिक फंक्शंस, जो हमने ग्राफ्स ऑलरेडी देखा था। सो साइन कॉस टेन, टेन को मैं अलग रख देता हूँ, कॉसेक सेक टेन एंड कॉट। चलो मुझे बताओ इनका पीरियड क्या है, कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट होते रहते हैं? 2π। अगर 2π पीरियड है, दैट मींस 4π, 6π, हर एक मल्टीपल ऑफ 2π उसका पीरियड होगा, बट 2π इज द प्रिंसिपल पीरियड, राइट? 2π उसका प्रिंसिपल पीरियड बोला जाता है। टेन थीटा कॉट थीटा, इनका पीरियड क्या है? रिमेंबर दैट ग्राफ, यस, पाई। टेन थीटा एंड कॉट थीटा का है पाई। अब ये बात समझो कि अगर आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान लो मोड ले रहे हो, राइट? दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन थीटा। जब आप इसका मोड लोगे तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, जो नेगेटिव है वो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? सो व्हाट विल बी पीरियड ऑफ मोड साइन थीटा? सर पाई। पाई, इजंट इट? इन अ सेम वे व्हाट विल बी पीरियड ऑफ मोड कॉस थीटा? सब मोड का पाई हो जाएगा। पाई हो जाएगा, राइट? मोड टेन थीटा, चलो अब टेन थीटा का एग्जैक्टली आपका ग्राफ इस तरीके से है, -π/2 से π/2, राइट? लेकिन जब आप मोड टेन थीटा ले रहे हो तो क्या होगा? ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, ये जो नेगेटिव है वो भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यस और नो? तो सारे ग्राफ ऐसे 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 वाले हो जाएंगे, नॉट दिस विल बी स्मूथ एट दिस पॉइंट, राइट? इट विल बी अ समवॉट शार्प। सो टेल मी, मोड टेन थीटा का आपका पीरियड भी हो जाएगा पाई। सेम गोस फॉर मोड कॉट थीटा। चलो व्हाट अबाउट कॉसेक एंड सेक? अगर आप कॉसेक एंड सेक थीटा के ग्राफ को याद करो, उनका मोड ले रहे हो, जैसे ये आपका सेक थीटा, हाँ, सेक थीटा का जो पीरियड है दैट इज 2π, इजंट इट? लेकिन जब आप मोड लोगे तो ये नेगेटिव वाला भी इधर ऊपर आ जाएगा, यस और नो? तो क्या वो पाई हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। सो मोड कॉसेक मोड सेक दैट इज, उनका पीरियड भी हो जाएगा आपका। मोड कॉसेक थीटा मोड सेक थीटा, इनका पीरियड भी हो जाएगा पाई। चलो अब मुझे ये बताओ एक चीज समझना, मान लो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, ये साइन थीटा का मोड गया तो इस तरीके से मिला, इसी का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, दिस इज साइन थीटा, पाई हो जाएगा, यस। कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जो पॉजिटिव है 0 से 1 उनका स्क्वायर हो जाएगा, जो नेगेटिव है उनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ में ये पॉइंट पे कुछ फर्क आता है, वो क्या फर्क होता है वो हम क्लास 12th में डिटेल में देखेंगे, जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, राइट? ये स्मूथ होता है, ये शार्प एज होती है, तो वो तब की बात है, अभी के लिए हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो उसका पीरियड भी आपका हो जाएगा पाई, राइट? दैट मीन्स अगर आप इन सब की पावर ले रहे हो, साइन एंड थीटा कॉस एंड थीटा जो हमने देखा था, बट इफ योर पावर इज 2 स्क्वायर कर रहे हो, या फिर एनी इवन पावर, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा कॉसेक एन थीटा राइट सेक एन थीटा, इन सब में आपकी पावर अगर इवन है, दो ऑप्शन है, इफ एन इज इवन तो पीरियड हो जाएगा पाई, इफ एन इज ऑड तो आपको पता ही है
ऑड पावर में वो नेगेटिव का नेगेटिव पोर्शन ही रहेगा, तो वहां पे आपका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस राइट नाउ. बट टेन एंड कॉट की अगर मैं बात करूं तो उसका अगर आप इवन पावर लो या ऑड पावर लो, समझना, इवन पावर लोगे तो ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा, ऑड पावर लोगे तो इसी तरीके पे कुछ एक्सटेंड हो जाएंगे उनकी वैल्यूज, राइट, आइदर वो स्ट्रेच हो जाएगा एंड समथिंग. तो टेन एन थीटा और कॉट एन थीटा, उसमें पावर कुछ भी हो उसका पीरियड तो पाई ही रहेगा, इजंट इट एवरीवन, भले वो एन आपका इवन हो या ऑड हो. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. अब यहाँ पे कुछ फाइनल बचे हैं, जब आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, साइन के थीटा, कॉस के थीटा, कॉसेक के थीटा, सेक के थीटा, जब आपका इनपुट के से मल्टीप्लाई होता है तो उसका पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई बाई के. अब ये क्यों 2 पाई बाई के होता है वो हम देखेंगे क्लास 12th में डिटेल में, अभी के लिए डायरेक्टली सेम चीज टेन के थीटा और कॉट के थीटा के साथ वो आपका हो जाएगा ओनली पाई बाई के, राइट, कि ओरिजिनल फंक्शन का जो आपका पीरियड है उसको जस्ट हम के से डिवाइड कर देंगे. यहां तक क्लियर है, राइट, जाए नेक्स्ट. अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक था यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट इज इट्स जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. Yes, yes, Samarth is telling general solution is deleted, okay. चलो सपोज साइन थीटा इक्वल टू सम वैल्यू, जैसे मैं साइन अल्फा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जहां पे अल्फा आपका जीरो और बट वो हर एक के लिए वापस अलग होगा, ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग लिखेंगे. चलो साइन के लिए आपकी अल्फा की वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, टेल मी, सी, जहाँ पे उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू कवर हो जाए, साइन का पूरा ग्राफ कवर हो जाए, सो दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? यहाँ पे साइन पॉजिटिव एंड यहाँ पे साइन नेगेटिव. ये क्यों हम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ले रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और डिटेल में आपका क्लियर होगा, राइट, सी, दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन. तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि आपको ऐसा जहाँ पे आपकी साइन की सारी वैल्यू कवर हो जाए, राइट, कैन आई टेक फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जहाँ पे माइनस वन से वन की सारी वैल्यू कवर हो रही है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, क्विकली. यस सर, राइट, सो फॉर साइन वी आर टेकिंग जनरल सॉल्यूशन इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. इन सिमिलरली इन कॉस वी आर टेकिंग दिस फ्रॉम जीरो टू पाई, यस और नो? जीरो टू पाई, एंड हमने बस तीन का ही याद रखा है, साइन कॉस एंड टेन. टेन के लिए भी सेम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट हियर माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू बोथ आर योर ओपन इंटरवल्स. माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू बोथ आर योर ओपन इंटरवल्स. चलो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, बोलो इसके लिए कैसे कन्वर्ट करोगे थीटा को? Yes, Neha is telling something. N pi plus minus 1, 4 pi by 3. Wait. Theta is equal to N pi plus minus 1 to the power N alpha, where alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Right. See, याद रखने के लिए दो चीजें आपको याद रखनी है. एक तो interval. दूसरा है, ये आप कैसे याद रखोगे? See. साइन के लिए आइधर आपको यहाँ पे आना है या यहाँ पे आना है. तो इधर वो 2 पाई है तो 2 पाई प्लस थीटा होगा, यहाँ पे 3 पाई है तो 3 पाई माइनस थीटा होगा. पता चल रहा है ना, याद आ रहा है, राइट, मतलब एन अगर आपका इवन है सो 2 पाई प्लस, यहाँ पे प्लस अल्फा हो रहा है, एन ऑड है तो 2 पाई माइनस अल्फा. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, सिमिलरली फॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो पहले अल्फा का सीन मैंने आपको बता दिया, वहां पे हम लेंगे 0 टू पाई,
राइट। चलो अब कॉस के लिए हमें कहाँ पे जाना है, ऑल एस टी सी, कहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, इधर इधर या इधर। सो टू पाई से इधर आप ऊपर जाओगे, इधर आप नीचे जाओगे। सो थीटा विल बी इक्वल टू टू एन पाई, क्योंकि वो आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, प्लस और माइनस अल्फा। यस और नो एवरीवन? हाँ अवंती, ऑफलाइन टेस्ट में आपका जो स्कूल का सिलेबस होगा उतना ही हम लेंगे, सो डोंट वरी। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा अगेन। तो पहले ये अल्फा हमने कहाँ से याद रखा, सी अल्फा हमने याद रखा है ग्राफ से, राइट। उनके ग्राफ से ऐसी रेंज उठा ली जहां पे उनकी सारी वैल्यू कवर हो रही है। और डिटेल में जब क्लास में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दिया था इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लेंगे ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। एंड अब आपका जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल से आपको ये याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम यूनिट सर्कल, राइट, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ आपका थीटा क्या आ जाएगा, इधर इधर या इधर। सो इधर वो 2n पाई है या मतलब ऑड है या इवन मल्टीपल, आपको आगे ही बढ़ना है। सो दिस इज ओनली n पाई प्लस अल्फा, नो नीड टू टेक माइनस वन टू द पावर n। क्लियर एवरीवन? राइट, दिस जनरल सॉल्यूशन वी नीड टू रिमेम्बर इट फ्रॉम यूनिट सर्कल ऑल एस टी सी, जहां पे वो दोनों इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो। यहाँ तक क्लियर? यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अब आप क्या करो, घर से एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो, जो भी डाउट हो आप ग्रुप में डाल दो, राइट, मैथ्स डाउट क्लास 11 वाला जो हमारा ग्रुप है। एंड आपके सीनियर्स को जब मैंने रिवीजन कराया था वो टाइम पे जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखी थी वो हम फटाफट देख लेते हैं। क्लास 12 की नोट्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए उनको लोड होने में टाइम लगता है। एंड डोंट वरी, वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग कि वन नोट से हमारे पास सारे नोट्स रहती हैं, तो आपके सीनियर्स के जितनी नोट्स अवेलेबल हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी। ओके, हाँ। सो अभिराम, यू आर आस्किंग फॉर 18 डिग्री ना, 18 डिग्री के लिए आप बस ये राइट एंगल ट्राइंगल याद रख लो, इसलिए ये बेटर हो जाएगा। हाइपोटेनियस 4 है एंड रूट 5 माइनस 1 है, वहाँ से बाकी का कर सकते हैं, राइट। ठीक है, के थीटा ये तो उनका है ही पूरा, इवन ऑड जनरल सॉल्यूशन हमने पूरा देख लिया। दिस आर द फॉर्मूले एक्स्ट्रा सी, ये can you see this three formula everyone, cos 60 plus x cos x cos 60 minus x, that is 1 by 4 cos 3x, right, sin 60 plus x sin 60 minus x, beech mein product hai, right, that is 1 by 4 sin 3x। bahut sari extra formula hai but abhi ke liye wo yaad rakhne ki zarurat nahi। tan 60 plus x tan x tan 60 minus x, to wo sirf tan 3x hoga, यहाँ पे 1 by 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो 1 by 4 by 1 by 4 cancel हो जाएगा, and sin by cos is your 10, is this clear everyone, ये अच्छी formula है। 1 minute लिख रहे हैं एक, हाँ हाँ लिख दूँ अच्छे से। ये तीनों फॉर्मूला अच्छी है, हो गई। कैन आई शो यू वन मोर? सर एक मिनट बस, हो गया। okay. मैं 10th वाले क्लास में मैसेज डाल देता हूँ। हो गया सर। ओके ग्रेट, नाउ ये फॉर्मूला, tan a plus b plus c,
टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपन वन माइनस टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन सी टेन ए, ये भी अच्छी है। मुझे एब्सेंटीज बताते जाओ क्विकली, अनघा, तुलिप, जितेंद्र, आई नीड मोर वन नेम, साई स्मृति, साई स्मृति स्कूल आ रही है? ओ अनघा इज प्रेजेंट, ओके सॉरी अनघा, आई वांट वन मोर नेम, अनुराग, अनुराग स्टार्टिंग में था, ठीक है ओके। ना बस आई थिंक सारी फॉर्मूला आई गई है। कॉट पाई बाई फोर प्लस और माइनस एक्स आप चाहो तो याद रख सकते हो, बट वो वहां से हो जाएगा डायरेक्टली यहीं से। ठीक है, बाकी तो जैसे आपको ग्राफ और वो सब दिखाया वो वही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स, बट ठीक है ओके। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं एवरीवन, सो प्लीज गो थ्रू।